नमस्कार दोस्तों, अगर आप LIC कस्टमर है यानी आपने LIC पॉलिसी ले रखी है तो अब आपको अपनी LIC पॉलिसी को भी अपने पैन कार्ड के साथ लिंक करना होगा। हाल ही में LIC ने एक ट्वीट भी किया था और पैन कार्ड को LIC पॉलिसी के साथ लिंक करने के लिए कहा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी LIC पॉलिसी के साथ अपने पैन कार्ड को कैसे लिंक करना है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर वहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको LIC इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा और इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद लेफ्ट साइड में लॉगिन टू कस्टमर पोर्टल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको एक्सटर्नल लिंक ओपन करने के लिए ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद LIC का लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। दोस्तों, आप लॉगिन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है यूजर ID के जरिए। अगर आप पहले से ही अपना लॉगिन पासवर्ड बना चुके हैं तो यहाँ पर आप यूजर ID और यहाँ पर पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। वहीं अगर आपका पहले से लॉगिन नहीं बना है तो आप दूसरे तरीके यानी OTP के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। OTP के जरिए लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके LIC पॉलिसी के साथ रजिस्टर है, और फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका LIC पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट सेलेक्ट करना है। और दोस्तों, LIC पॉलिसी के साथ पैन कार्ड को लिंक करने के लिए यहाँ पर आपको पैन डाटा रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करना है। फिर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी पॉलिसी नंबर शो होगी और आपको अपनी पॉलिसी को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको अपना पैन डिटेल देने के लिए आपको अपना कंसेंट देना है। कंसेंट देने के लिए यहाँ पर आपको टिक करना है और लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, इसके लिए यहाँ पर आपको टिक करना है और फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल करना है। पैन नंबर फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा, और लगभग 48 आवर्स के अंदर आपकी LIC पॉलिसी के साथ आपका पैन कार्ड लिंक हो जाएगा और इसकी सूचना आपको मोबाइल और ईमेल पर भी मिल जाएगी। और यहां पर आप क्लिक करके रिक्वेस्ट फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।